सॉरी पापा, दूसरों की जिंदगियां बचाते बचाते ना मैं खुद की जिंदगी बचा ही नहीं पाई। सॉरी मम्मा, जिस अंग से मैंने कितनी नई जिंदगियां आते हुए देखी हैं, उसी अंग से उस रात मैंने खुद की जिंदगी जाते हुए देखी थी। सॉरी भैया, जिंदगी भर आपने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया, पर उस रात उन दानवों से मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। सॉरी बहन, मेरा इंडिपेंडेंट होना तेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, पर उसी इंडिपेंडेंसी ने तो मुझे इस दुनिया से ही इंडिपेंडेंट कर दिया। और भगवान, आप अगले जन्म ना मुझे लड़का ही बनाना, ताकि उसी हॉस्पिटल में जाके आधी रात को अगर कोई लड़की आराम कर रही हो तो मैं बाहर खड़ी रहूं उसकी रक्षा करने के लिए। एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने घर सेफली जाए। 78th इंडिपेंडेंस किस बात का? लड़कियां जल्दी शादी ना करने के लिए एक जॉब करते हैं और करियर भी सेटल हो जाता है। उनके साथ ऐसा हो तो कोई लड़कियां कुछ भी नहीं करेगी, घर में बैठी रहेगी क्या? इससे अच्छा तो लड़के होके ही पैदा हो जाता। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी माँ ना खोती उसकी आँखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं CCTV नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नज़र रखता, उसकी नज़र भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। ये ड्राइंग वीडियो जब मैं बना रही थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इंडिया में इतनी देवी देवताओं को पूजा करते हैं फिर भी लड़कियां ही सेफ नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़कियां, बहुत सारे लड़के और लड़के भी सेफ नहीं है इंडिया में। इतना लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है जिसके वजह से लोग कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। मतलब ये इंस्टीट्यूट तो बहुत ही बुरा वाला था, और आपको अगर सपोर्ट करना है तो प्लीज़ जो जो भी अभी वीडियो देख रहा है शेयर करो सबके साथ और जस्टिस दिलवाओ।